हेलो फ्रेंड्स, आज हम चावल के पापड़ बनाएंगे। तो मैं आज आपको बहुत ही सरल तरीका बताऊंगी चावल के पापड़ बनाने का। इनको ना तो हमें आटा पिसाने की ज़रूरत पड़ेगी और ये जल्दी से बनके तैयार हो जाएंगे। और देखिए, इस तरीके के हम पापड़ बनाएंगे, बहुत टेस्टी पापड़ बनते हैं ये खाने में। तो इस तरीके के हम पापड़ बनाएंगे और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएंगे ये पापड़। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चावल के पापड़। तो चावल के पापड़ बनाने के लिए हमें चावल चाहिए। तो मैं एक कटोरी चावल लिए हैं मैंने, आप कोई भी चावल ले सकते हो, लेकिन मैंने जो बारीक वाले चावल आते हैं वो लिए हैं, ताकि जब हम पीसें तो हमारे चावल अच्छे से पिस जाए। तो देखिए, हम इनको दो तीन बार धो लेंगे ताकि जिसमें जो भी पाउडर मिला होता है वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमको दो तीन बार चावल को धो लेना है। तो देखिए, मैंने चावल को अच्छे से धो लिया है। अब हम इसको दो घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे चावल को। तो देखिए, दो घंटे हो चुके हैं, हमारे चावल गल चुके हैं अच्छे से। तो इसका हम सारा पानी निकाल लेंगे। देखिए, मैंने पानी निकाल दिया है और मिक्सी के जार में हम चावल को डालेंगे। और इसमें हम मैदा डालेंगे 2 चम्मच। इससे जो हमारा घोल तैयार होगा चावल के आटे का, चावल का जो, तो बहुत ही अच्छा घोल बनकर तैयार होगा। तो इसी में डाल देना है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। चावल के साथ मैदा साथ में डालने से चावल का जो घोल तैयार होगा उसमें गुठलियाँ भी नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छे से पिस के तैयार हो जाएगा। तो देखिए, हमने इसको मिक्सी में पीस लिया है। तो देखिए, हमारे कितने अच्छे चावल पिस के तैयार हो चुके हैं। इस घोल से हमारे 25 पापड़ बन के तैयार होंगे, 25 से 30 पापड़ बनेंगे। और इसको हम निकाल लेंगे। अब हम एक कुकर में या कोई भी आप जो भी बर्तन लें तो उसको थोड़ा बड़ा ही लें, क्योंकि जब चावल का आटा फूलेगा तो बहुत सारा हो जाएगा और इसमें हमें तेल लगा लेना है। तो मैंने कुकर लिया है, कुकर में तेल लगा लिया। इससे हमारा जो आटा है वो नीचे से चिपकेगा नहीं। और पानी डालेंगे। तो देखिए, मैंने 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी, 4 कटोरी और ये मैंने 5 कटोरी अभी पानी डाला है, लेकिन इसके बाद भी हमें इसमें पानी ज़्यादा लगेगा। अभी हमने 5 कटोरी पानी डालकर रखा है। तो देखिए, इसमें हम नमक डालेंगे। तो 1/2 चम्मच मैंने नमक डाला है, थोड़ी सी हींग डालेंगे और 1/2 चम्मच के करीब मैंने जो पापड़ खार आता है उसको डाला है। वो पानी को हम उबलने देंगे, हमें अच्छे से उबाल आ जाने देना है। तो देखिए, अब हमारा पानी अच्छे से उबल चुका है। तो उबलने के बाद हमने जो घोल तैयार किया चावल के आटे का वो डालेंगे। गैस हम बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि ये जल्दी से गाढ़ा होने लगता है और नीचे भी जलने लगता है, इसलिए हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। और इसमें अभी हम पानी और भी डालेंगे। देखिए, अभी मैंने इतना पानी डाला है, हम इसमें और भी डालेंगे। हम इसको जल्दी जल्दी चलाएंगे। देखिए, अभी हमने पानी डाला भी नहीं और बहुत जल्दी ये गाढ़ा हो चुका है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है। तो 1 कटोरी में हमारे कम से कम 25 से 30 पापड़ बन के तैयार होते हैं। तो देखिए, कितने जल्दी गाढ़ा हो चुका है। तो इसमें पानी हम और डाल देंगे।
देखिए एक कटोरी पानी और डाला, मैं अभी इसमें और भी पानी डालूंगी। आपको जब भी लगे कि हमारा घोल गाढ़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम इसमें पानी बीच बीच में इसी तरीके से डालते जाएंगे। तो एक कटोरी चावल के पापड़ में हमसे कम से कम हमें 8 कटोरी के करीब पानी लगेगा, तो हम धीरे धीरे इसमें पानी डालते जाएंगे। देखिए एक कटोरी और फिर मैंने पानी डाला, तो हमारा कितना सारा घोल बन के तैयार हो चुका है। हमें इसे अच्छे से उबालना है, यदि हम नहीं उबालेंगे तो हमारे पापड़ अच्छे नहीं बनेंगे। उबाल अच्छे से आ जाना चाहिए, धीमी गैस पे भी हम थोड़ी देर इसको रखेंगे। देखिए इस तरीके से हमें चलाते जाना है ताकि जो हमारा घोल है वो नीचे से ना जले। इन पापड़ को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो इसी तरीके से हम चलाते जाएंगे। कभी गैस को तेज भी करेंगे फिर धीमे पे कर देंगे। तो अब देखिए हमारा अच्छे से घोल तैयार हो गया है, तो हम इसको और भी अभी थोड़ा सा पानी और डालेंगे, लेकिन हमें गाढ़ा लग रहा है कि हम पापड़ अच्छे से नहीं बना पाएंगे, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, क्योंकि हमें इसे अच्छे से उबालना है। अब हम इसको लो गैस पर रखे रहने देंगे, धीमे पे रखना है और इसको उबलने देना है। हम कम 5-7 मिनट हमें इसी तरीके से उबलने देना है, बीच बीच में हम चलाते जाएंगे। देखिए अब हमारा कितने अच्छे से घोल तैयार हो चुका है। हमने 5-7 मिनट इसको रख दिया था, लेकिन ये बड़े बर्तन में होने के कारण ठंडा नहीं होगा, तो हम इसको ठंडा भी करेंगे और एक पनी पे हम तेल लगाएंगे। तेल हमें ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही लगाना है। और जो घोल हमने बनाया था उसको देखिए हमने बड़े बर्तन में इस तरीके से ठंडा करते जाएंगे और डालते जाएंगे पापड़ को। तो देखिए बड़े बर्तन में ले लिया और इस तरीके से हम फैलाते जाएंगे कलछी से। हमें पापड़ ज़्यादा पतला भी नहीं रहने देना है और मोटा भी नहीं करना है, पर हमें इसको डालना ठंडे होने के बाद ही डालना है। तो देखिए कलछी लेंगे, कलछी भर के ही डाला और देखिए कितना बड़ा पापड़ हमारा बना है। हमें अच्छे से फैलाना है इसको। तो इसी तरीके से हम सारे पापड़ बना लेंगे। इन पापड़ को सूखने में 2 दिन का समय लगता है, तो हम इनको रात को पंखे की हवा में डाल सकते हैं। दिन भर धूप में डालने के बाद इनको हम पंखे की हवा में डाल सकते हैं। तो देखिए मैंने 2 दिन तक इनको अच्छे से सुखा लिया है, बहुत अच्छे हमारे पापड़ बन के तैयार हुए हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया, सफ़ेद बिल्कुल हमारे पापड़ बने हैं। इनको मैं तलकर भी दिखाऊँगी इन पापड़ को। देखिए इसमें हमने जीरा नहीं डाला था, तो इस तरीके के बने। और यदि हम जीरा पसंद करते हो तो थोड़ा सा कलर चेंज होगा, पापड़ हमारे अच्छे बनेंगे। जीरे से थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, तो इसमें मैंने जीरा डाला है। तो देखिए अब हमारे बहुत अच्छे पापड़ बने हैं, तो मैं इनको तलकर भी दिखाती हूँ। देखिए तेल गरम करने के लिए मैंने रख दिया था। तो देखिए अब हमारा कितना अच्छा पापड़ बन के तैयार हुआ है। तो देखिए मैंने आपको तलकर भी दिखाए हैं, बिल्कुल हमारे पापड़ बिल्कुल जैसे मार्केट में मिलते हैं इस तरीके के हमारे पापड़ बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही टेस्टी पापड़ बने हैं। और यदि आपको मेरे पापड़ की रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप भी बनाइए इस प्रकार के पापड़।